सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के समय में बॉलीवुड की फिल्मों का कुछ अलग ही लुक और स्टोरी होती है जिसे मॉडर्न जमाने को देखकर बनाया जाता है। फिल्मों के कलाकार का भी जलवा किसी से छुपा नहीं रहता है, लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। आज के टाइम में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियाँ ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ, उमा कुरैशी, आलिया भट्ट आदि के फैन दीवाने हैं। लेकिन 1982 में ऋषि कपूर की फिल्म प्रेम रोग आई थी जो कि हिट फिल्म थी। उसके सभी गाने ही भी फेमस हुए थे, लेकिन उस फिल्म की सफलता का श्रेय सबसे ज़्यादा अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे को जाता है, क्योंकि ये उस फिल्म की मुख्य भूमिका में थी। आज हम पद्मिनी कोल्हापुरे के जीवन के बारे में रोचक तथ्यों को बताने वाले हैं जो आपको नहीं मालूम है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रेम रोग फिल्म से पॉपुलर हुई अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे का जन्म 1 नवंबर 1965 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। ये एक मराठी फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनके पिता पंढरीनाथ कोल्हापुरे एक संगीतकार थे। इनकी माता का नाम निरुपमा कोल्हापुरे था जो कि एयरलाइंस में काम करती थी। इनकी बड़ी बहन का नाम स्वांगी कपूर और छोटी बहन का नाम तेजस्विनी कोल्हापुरे था। इनके परिवार का रिश्ता लता मंगेशकर के पिता दीनदयाल मंगेशकर से था। इन्होंने अपनी पढ़ाई बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल में की थी। उसके बाद पद्मिनी पहली बार साल 1978 में फिल्मों में कदम रखा था। इन्होंने राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में बाल कलाकार के रूप में काम किया था। वो फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इनके किरदार को लोगों ने खूब सराहा था। इसके अलावा पद्मिनी ने थोड़ी सी बेवफाई और साजन बिना ससुराल जैसी फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया। इसके बाद साल 1980 में आई फिल्म इंसाफ का तराजू में इन्होंने राज बब्बर और जीना तमान के साथ काम किया, जिसके लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद इन्होंने इसी साल ऋषि कपूर के साथ फिल्म जमाने को दिखाना है में काम किया, लेकिन ये फिल्म कुछ कमाल नहीं दिखा पाई और फ्लॉप साबित हुई। लेकिन इन्होंने दोबारा 1982 में ऋषि कपूर के साथ प्रेम रोग में बतौर अभिनेत्री काम किया। इसी फिल्म ने पद्मिनी कोल्हापुरे को वो पहचान दिलाई जिसकी वो हकदार थी। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, इसके लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। लोग इनकी एक झलक पाने को इतने दीवाने हो गए कि ये जहाँ भी जाती थी लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। इसके बाद पद्मिनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक फिल्में करती गईं। ये अपने अभिनय से लोगों को लेकर बेहद सजग और बेहतरीन कलाकारी के लिए जानी जाती हैं। इतना ही नहीं, अगर ये बीमार भी हो जाती तो ये फिल्मों की शूटिंग करने चली जाती थी। पद्मिनी कोल्हापुरे की सौतन और विधाता फिल्म 1982 व 1983 में आई जो कि हिट फिल्में थी। इसके बाद इन्होंने प्यार झुकता नहीं में मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम किया जो कि सफल हुई, और बाद फैंस इन दोनों की जोड़ी को खूब पसंद करने लगे और इन्होंने एक साथ कई हिट फिल्मों में काम किया। इनकी मुख्य फिल्में प्यार झुकता नहीं, प्रेम रोग, दाता, प्यार के काबिल, स्वर्ग से सुंदर, सौतन, वो सात दिन आदि है। पद्मिनी ऐसा प्यार कहाँ फिल्मों की शूटिंग कर रही थी, वहाँ फिल्म के सेट पर इनकी मुलाकात प्रदीप शर्मा से हुई जो कि उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, और दोनों में प्यार हो गया और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन पद्मिनी के परिवार वाले इनकी शादी के खिलाफ थे क्योंकि दोनों अलग अलग समाज से आते थे। दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने दीवाने थे कि समाज व घर वालों की परवाह न करते हुए भाग कर विवाह कर लिया, और फिर बाद में दोनों के परिवार वालों को इनकी शादी माननी ही पड़ी। दोनों के एक बेटा प्रियांक शर्मा है, प्रियांक का भी विवाह हो गया है। पद्मिनी कोल्हापुरे की शादी के बाद जब इनके बेटे का जन्म हुआ तो इन्होंने फिर से बॉलीवुड में कदम रखा।
लेकिन सफल नहीं हो पाई। शादी के बाद अक्सर अभिनेत्रियों का करियर खत्म ही हो जाता है, और वही पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ भी हुआ। अब ये बॉलीवुड से दूर रहती हैं, कभी कभार किसी शो या इवेंट में नजर आती हैं। अभी हाल ही में पद्मिनी अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के साथ द कपिल शर्मा शो में एक साथ दिखाई दी थी। आज ही अपने परिवार के साथ बेहद खुश हैं। दोस्तों, आप भी खुश रहिए और हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।